नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। मैं मेरे बारे में कुछ बता दूँ, मैं हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, जो पिछले 30 साल से शुरू है। मेरा खुद का 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एक डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट भी हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है अल्कोहल डिएडिक्शन एंड इट्स साइकोटिक मैनिफेस्टेशंस। बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने पहले वीडियोज में बताया था कि अल्कोहल पीने से धीरे धीरे पूरी बॉडी, अल्कोहल मतलब शराब पीने से पूरी बॉडी धीरे धीरे खराब होने लगती है और बाद में इसका ब्रेन पर असर होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ जो आते हैं जो पागल जैसी हरकतें करते हैं। जब हम उनका डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि पेशेंट का अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और उसके कारण पेशेंट के दिमाग पर असर पड़ रहा है। तो ये वीडियो में हम यही देखेंगे कि अल्कोहल शराब ज़्यादा होने के कारण दिमाग पे कौन से ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, नंबर वन। और नंबर टू हम ये देखेंगे कि शराब अगर हमने बंद कर दी तो पेशेंट को कौन से सिम्टम्स होते हैं ब्रेन के, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि अल्कोहल ज़्यादा पीने के कारण कौन से दिमाग पर मैनिफेस्टेशंस होते हैं, कौन से दिमाग के प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप बार बार शराब लगातार दिन में 2-3-4 क्वार्टर लगातार पीते हैं तो धीरे धीरे ब्रेन काम करना खत्म कर देता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है। पेशेंट पागल जैसा करने लगता है, बड़बड़ करता है, चिल्लाता है, हर चीज़ में इरिटेबल बन जाता है, गुस्सा करता है, मारामारी करता है, लोगों को, अपने बच्चों को, बीवियों को, माँ बाप को मारने लगता है। हर चीज़ में वो गलतियाँ निकालना चालू कर देता है। उसको नींद नहीं आती, पेशेंट को लगने लगता है मैं मर जाऊँ तो बेहतर हो जाएगा। पेशेंट को रियलिटी क्या है और अनरियल क्या है इसमें कोई भी फर्क दिखाई नहीं पड़ता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अल्कोहल ज़्यादा पीने के कारण होता है, वो है अपने बीवी पे शक करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दारू ज़्यादा पीते हैं और क्योंकि उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है वो अपने बीवी पे शक करने लगते हैं। पेशेंट को लगने लगता है कि मेरे बीवी का और किसी व्यक्ति का अफेयर चल रहा है और इसके कारण मुझे सेक्सुअल परफॉर्मेंस मेरे से बराबर हो नहीं रहा है। पेशेंट साथ ही में डिप्रेशन में चले जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों देखे हैं जो अल्कोहल पीने के कारण सीवियर डिप्रेशन में चले गए हैं और पेशेंट को लगता है मैं सुसाइड कर लूँ और मर जाऊँ। ऐसे अलग अलग प्रकार के अल्कोहल के कारण होने वाले साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। साथ ही में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी पेशेंट को अल्कोहल के कारण होते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मतलब ब्रेन स्ट्रोक होना, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी होना, पेशेंट का सेरेबेलर डैमेज होना। ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम और सेरेबेलम। अगर सेरेबेलम डैमेज हो गया तो पेशेंट का जो पोजिशन है, बैलेंस है, चलना है, फिरना है, जजमेंट है, वो पूरा डैमेज हो जाता है और पेशेंट का जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाता है। साथ ही में आँखों में खराबी, नर्व्स में पैरालिसिस होना, पालसी होना, हेमिप्लेजिया होना। हेमिप्लेजिया मतलब हाथ और पैर निकामी हो जाना, खराब हो जाना। ऐसे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी अल्कोहल के कारण होते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रमाण में एक ही दिन में दारू पीता है, शराब पीता है, तो पेशेंट को ज़्यादा दारू पीने के कारण पेशेंट को फिट भी आ सकती है, पेशेंट कोमा में जा सकता है और पेशेंट का मृत्यु भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स अल्कोहल ज़्यादा पीने के कारण, 2-3-4 क्वार्टर पीने के कारण पेशेंट को अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि यदि आपको ऐसा पेशेंट दिखता है तो आपने ये पेशेंट को ट्रीटमेंट देना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रीटमेंट बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन मेरा ये आपको एडवाइस है कि आपने जो डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, उनके पास ही अल्कोहल के पेशेंट को लेके जाना चाहिए और उनके पास ही ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। हम एज ए डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, पेशेंट की दारू छुड़ाते हैं और पेशेंट को अच्छा करते हैं। तो ऐसे अगर पेशेंट्स आपके आजू बाजू होंगे और आपको लगता होगा कि हाँ इनकी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, तो ये पेशेंट को ज़रूर हमारे पास लेके आइए। मैं ये 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अल्कोहल की ट्रीटमेंट आप करेंगे तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट अच्छा होगा और पेशेंट बाद में कभी भी अल्कोहल शराब का सेवन नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
मैं अगले वीडियो में आपको, अगर कोई व्यक्ति शराब छोड़ देता है तो उसके कारण कौन से सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में, और फिर बाद में अल्कोहल की ट्रीटमेंट के बारे में और हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज पहुंचा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।